अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जो है ना, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं, स्कूल के लिए रेडी शेडी हो गए हैं, और साथ में मंजू बेबी भी आ गया है, कुछ भी रेडी हो गया है। नाश्ते में इनकी जूरी बनी है, साथ में सजे का बर्फ भी आ गया के लिए। इनके लिए जो है ना, घर के समोसे बना लें, मैंने इसका मिक्सचर बना के रखा हुआ था, बस अभी फ्राई कर रही हूँ। एक एक समोसा इनको दूंगी लंच में, साथ में जो मैंने कप केक्स बना के रखे हैं वो दूंगी इनको लंच में। सबसे पहले मैंने कप केक रख लिया, अब फजर के लिए फजर का लंच बॉक्स है, इसमें समोसा जाने लगा। हम एक एक टॉफी भी ले जाएं? हाँ ले लो। लंच बॉक्स है, तो इनके लंच बॉक्स रेडी हो गए। आप जो है ना, सुबह सुबह जाग गए हैं, बस अब सारा दिन भी ऐसे गुजरेगा। हाय करो, हाय करो। नाश्ता तो कर लेते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर 9 बजे जो है मेरी फ्रेंड भी आ जाती है, हेल्पर मेरी, काम करने के लिए। बर्तन वगैरह धोती है, फिर सफाई करती है घर की। कैसी हो नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे ठीक है? जी। चलो करो फिर। हम सब घर पे हैं तो उनकी खिदमतें होनी है। जब वो छुट्टी करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं हम। उसके लिए ये जो है ना, मैंने आज पहले उनके लिए प्री नाश्ते में सैंडविचेस बनाए और चाय, और बच्चा भी सैंडविच खा रहा है। अच्छा, और फी साहब के मैंने कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं। वैसे तो फी साहब अपने ऑफिस के कपड़े खुद ही इस्त्री करते हैं, लेकिन जो उनको शलवार कमीज पहननी होती है वो मैं मुझसे हमेशा करवाते हैं, कॉटन के जो कल्फ वाले होते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ ना, कल्फ वाले कपड़े इस्त्री करने में प्रो हूँ। तो उनको मेरे जो है ना सूट इस्त्री किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं तुम्हारे जैसे सूट मैं नहीं इस्त्री कर सकता कमीज शलवार, और उनकी जैसी पैंट मैं नहीं इस्त्री कर सकती। चलो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। उन्होंने बाहर जाना था, अभी तो कैंसिल हो गया, लेकिन देखें अब क्या करते हैं। इनका वक्त हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं, आज फीसा भी घर पे हैं, उनके लिए सूखियाँ रोटियाँ बन रही हैं, और पराठा एक बड़ा सा बनता है जो सब खाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बच्चों से मिलवाती हूँ मैं आपको। मेरे बच्चे स्कूल से आगे वापस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ वाज योर डे? ये बच्चा मेरे लिए स्कूल से क्या ले आया? स्कूल से मेरे लिए सालन मैम ने दिया क्या? कैसा हुआ दिन? अच्छा। टेस्ट कैसे में? मेरे फुल मार्क्स में। वेल डन। चलो अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ, कपड़े शपड़े चेंज करो, मुँह दो। नहीं मैम, 5.5 में से 5.5। बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, आधा नाश्ता कर चुके हैं, आधे रह गए। खाओ ना बेटा। क्या आपका है? दिन का खाना वगैरह नाश्ता करने के बाद हो जाती है शाम, रेस्ट करने के बाद शाम को जो है ना, बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं। फजर यहाँ पे ड्राइंग कर रही है, कुछ अपनी स्टडी कर रही है, कुछ भी होमवर्क कर रही है। कौन सा? उर्दू का? उर्दू का कुछ, उर्दू का होमवर्क कर रही है। अभी इसकी फर्स्ट डायरी है, अब होमवर्क वगैरह करके उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी। अच्छा अच्छा इसका होमवर्क हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो वर्ड्स की। जो स्नैक है वो स्पेशल, वो ये जिंगर चिकन है जो मैंने बनाया है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी आपको। ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।